शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं अंत है आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं अंत है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता स्वागत और सत्कार का मौसम स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम आशाओं के दीप जले हैं विश्वासों में हिले मिले सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले नया नहीं ये बहुत पुराना नया नहीं ये बहुत पुराना अपनों का संबंध है धरती पे सजाना हम सब का संकल्प है राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सब का संकल्प है राजयोग से ही होना अब जग का भी
भी तो परिवर्तन का नारा, तभी तो परिवर्तन का नारा हमने किया बुलंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं अनंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम 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 शुभ 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 स्वागतम। ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से बोलिए ओम शांति। पीछे वालों का ध्यान कहीं और है शायद, दोबारा से बोलेंगे सभी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। मैं दिल्ली से आया हूं और मुझे इस हॉल में आकर के बहुत प्रसन्नता हुई। आप बहुत अनुशासित हैं कि आप समय से पहले पहुंच गए हैं, और मुझे ये भी आभास होता है कि आप टेंशन के मुक्त होना चाहते हैं इसलिए समय से पूर्व पहुंचे हैं। तो अपने लिए आप एक बारी जोरदार ताली बजाइए। ताली में मजा नहीं आया जब मैं ताली बजाने के लिए कहूंगा, पहले सुन लीजिए। अब से लेकर के और जब मैं ताली बजाने के लिए कहूंगा तो आप कानपुर वाली ताली बजाएंगे। अब जरा बजा के दिखाइए। हमारी आदरणीय विद्या दीदी जिनका इतना लंबा जीवन का अनुभव, भैया थोड़ा सा किनारे, इतने समय से आप राजयोग की गहन तपस्या कर रही हैं, साधना कर रही हैं, और आज के कार्यक्रम का आयोजन में बड़े अहम भागीदार हमारे भ्राता कपूर साहब। आप राज कपूर परिवार से बिलोंग करते हैं, जरा ताली बजाने के लिए मना कर रहे हैं लेकिन मुझे ये आभास हो रहा है शायद कुछ छुपा रहे हैं। कानपुर के राजा हैं ये कहती हैं दीदी, दुर्गा ताली बजाएं। और हमारे शास्त्री नगर में जो ब्रह्मा कुमारी इसकी शाखा है उसका जो संचालन का कार्य कर रही है हमारी बहन, उनके लिए भी बहुत जोरदार ताली बजाएं। और हमारे भाई जो मंच का इतना सफल संचालन कर रहे हैं, ताली बहुत जोरदार बजा दो। और पीछे ये देख रहे हैं आप, ये पर्दे के पीछे रहने वाले हैं लेकिन काम ये बहुत समय से कर रहे हैं आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, तो इनके लिए भी बहुत जोरदार ताली बजाएंगे। अब मैं चाहता हूं सबका 100% अटेंशन यहां होना चाहिए। एक टेंशन का बहुत बड़ा कारण क्या है कि आप हार्डवेयर आपकी यहां बैठी है और सॉफ्टवेयर कहीं और है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो अगर आप सचमुच अपने आप को स्ट्रेस से फ्री करना चाहते हैं तो आज से आपको क्या सीखना पड़ेगा भाई सर? आप बहुत गंभीर हो गए हैं, आज का विषय गंभीर नहीं है। अगर हमें अपने आप को तनाव से मुक्त करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई सर? आप भी बहुत गंभीर हो गए, आज का विषय गंभीर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपकी हार्डवेयर तो यहां है, हार्डवेयर माने आपका तन यहाँ है लेकिन मन कहाँ है? मैडम कहाँ है मन? कहते मन तो थोड़ा बाहर घूमने चला जाता है, कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। अगर ये करेंगे तो फिर कार्यक्रम में मजा नहीं आएगा। दुविधा में दोनों गए और न माया मिली
इसलिए अगर सचमुच आपको कार्यक्रम का लाभ लेना है तो बी हियर 100%। इसलिए मैं बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछता रहूंगा। भाई सर आप तैयार हैं? मैं प्रश्न बहुत पूछता हूं, ठीक है, ताकि एक के बहाने सबका ध्यान यहां अंदर आ जाएगा। जब मैं दिल्ली से चला सवेरे तो मैंने इस हॉल का विजन अपने मन में तैयार किया कि सभी लोगों के हाथ में डायरी होंगी, पेन होंगे और वो अच्छी अच्छी बातों को नोट करेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ या तो कुछ और ही नजारा है। बहन जी कहती है सब दिल पर नोट करेंगे, देखो आपका पक्ष ले रही है, ठीक है। ये बात हमने ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी से सीखी। वो यहाँ थोड़े समय पहले आए थे, आप जरूर मिले होंगे, टीवी में देखते होंगे उनको। तो दादी जी आज 102 साल की हो गई हैं और वो कहती है मैं सारी जिंदगी अपने नोट्स लेती रही। तो अगर हमें टेंशन फ्री होना है तो उसकी एक विधि क्या हो सकती है? भाई साहब खड़े न रहे, उधर बैठिए प्लीज, खड़े न रहिए, बैठिए, उधर जगह बहुत है। अगर हमें तनाव से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा भाइयों बहनों? आज से क्या करेंगे? अच्छी बातें अपनी डायरी में नोट करिए। जब हम कोई चीज उंगलियों से हाथों से लिखते हैं तो हमारी उंगलियों का सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग से है। उंगलियों का कनेक्शन किससे है? तो जो बात लिखी जाती है वो बात पक्की हो जाती है, ठीक है। आज माफी कोई बात नहीं, लेकिन आगे से क्या करेंगे? जब भी किसी ऐसे आयोजन में जाएंगे तो हम अच्छी बातों को नोट करेंगे। मैंने जब एमबीए किया मुझे पता है इतनी मोटी मोटी पुस्तकें, इतने बल्कि बुक्स, लेकिन जब परीक्षा आई तो किसी पुस्तक ने मेरी मदद नहीं की। इम्तिहान के समय कोई बुक मेरी मददगार नहीं बनी। अगर किसी चीज ने मेरी सहायता की तो वो थे मेरे लिखे हुए नोट्स। तो वहां एमबीए का इम्तिहान तो 6 महीने में एक बार ही होता था, लेकिन कपूर साहब यहां क्या हो रहा है जिंदगी में? अब मुस्कुरा नहीं रहे, आज मुस्कुराना पड़ेगा ना सबको। यहां क्या हो रहा है? यहां तो हर क्षण इम्तिहान है। आप यहां से बाहर निकलेंगे, एक स्कूटर वाला आपकी गाड़ी से आगे निकल गया। अब आपको कैसा लगता है? क्यों निकला आगे? फिर आपने अपनी गाड़ी तेज दौड़ाई, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? आप स्कूटर वाले से आगे निकल गए, लेकिन यात्रा का सफर चला गया, यात्रा का आनंद चला गया। तो भाइयों बहनों, जो बातें आज यहां चर्चा हो रही है उनका पेपर, उनका एग्जाम, उनका इम्तिहान हर क्षण होता है, ठीक है, राइट। तो अभी हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी बात करेंगे। किस किस को तनाव होता है? जरा हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे, आप जो उठाओ, ये एक्सरसाइज है, आपको पता है? हाथ पूरा उठाए। डॉक्टर कहते हैं हाथ में दर्द क्यों होता है? क्योंकि हमारा हाथ कभी सीधा नहीं होता। भाई साहब पूरा हाथ उठाइए, आप पूरा जैसे मेरा है ना, वेरी गुड, ताली बजाइए अपने लिए। हमने इस बात को स्वीकार किया कि हमें टेंशन होती है। तो आप सब टेंशन से मुक्ति चाहते हैं? हाँ जी या ना जी? लगता है आप कहीं और हैं, यहाँ नहीं है, जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मुझे आनंद नहीं आएगा। आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं? कौन कौन मुक्ति चाहते हैं? फिर से हाथ उठाइए। आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है आज। अच्छा, महिला शक्ति से नहीं चाहती है या तो कहती हाथ उठाने का भी हम क्यों कष्ट करें? नहीं, जब बोला जा रहा है तो जरूर हम हाथ उठाएंगे। तो अगर आप टेंशन से मुक्त होना चाहते हैं तो व्हाट इज द वे आउट? क्या तरीका है उसका बताइए। मैं आप सबको आज के प्रोग्राम में चाहता हूं कि पार्टिसिपेट करें। आप सभी मंच बोले और आप सुनते रहे, मैं ये नहीं चाहता हूं। बताइए अपने आप को टेंशन से फ्री कैसे करें? भाई साहब जो सफेद रंग की पोशाक में बैठे हैं, हाँ जी आपसे पूछ रहा हूं, आपका नाम? बहुत अलर्ट होकर बैठना पड़ेगा। अंकुश भाई है? हाँ जी बोलिए, कहते पूछिए।
क्या सवाल पूछा अंकुश भाई? और कोई नहीं बोलना बताइए, कहते जो बोले वो तुम भी खोले, शांत रह सकते हैं? पॉसिबल है? कोर्स कर रहे हैं, सफलता मिल रही है। ओके नेक्स्ट भाई साहब, आपका नाम? हाँ बोलिए, कुछ बोलते नहीं आज, मौन है, बैठ के बोलिए जी। हाँ बोलो अतुल भाई जी। सर बताइए, टेंशन से मुक्त कैसे होंगे? सर इसीलिए तो आपके पास आए। अच्छा इसीलिए हमारे पास आए हैं, वाह वेरी गुड, क्या नैले पे दिला लगाया है। और नेक्स्ट रता जी, आपका नाम? विनोद। विनोद भाई बोलिए, मुस्कुरा के बोलिए। मुस्कुरा तो रहा है आपकी बातें सुन के। वेरी गुड, बताइए विनोद भाई। यही तरीका है, ऐसे प्रोग्रामों में जाते रहे, सीखते रहे। ओके वेरी गुड वेरी गुड। और कोई बताएंगे टेंशन से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं? हम हॉस्पिटल में चले जाए, इंजेक्शन लगवा लें, कोई दवाई ले लें, तो हमें टेंशन से मुक्ति हो सकती है? पॉसिबल? हाँ जी या ना जी? नहीं। क्यों क्यों नहीं हो सकती? कारण बाबूजी जो सेकंड लाइन में बैठे हैं, आज मैं टीचर बन गया हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, पीछे देख रहे हैं। हाँ जी हाँ बैठिए बाबूजी, खड़े होने की जरूरत नहीं है। हाँ सचिन साहब हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में तो मैं टीचर बन गया हूँ। बताइए, अगर हमें टेंशन से मुक्त होना है तो क्या हम हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगवा लें, कोई दवाई ले लें, हमारी टेंशन दूर हो सकती है बाबू जी? नहीं। क्यों? टेंशन तो भाव है दिल का और दिमाग का। अच्छा दिल और दिमाग में है। अगर हम टेंशन मुक्त होना चाहते हैं जी, तो उसके बारे में सोचे नहीं। सोचे नहीं? हाँ मस्त रहे, चर्चा हम करते हैं। ओके ओके वेरी गुड। कहते हैं सर होगा ही नहीं, कहते कबूतर ने आंखें बंद कर ली, कहते बिल्ली है ही नहीं, लेकिन बिल्ली तो कबूतर को खा गई। और कोई सवाल इधर से? सेकंड लाइन में जो बैठे हैं भाई साहब, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कोई राज है जो दिल में छिपा रहे हैं? बताइए आपका नाम? अनुप। बताइए अनुप भाई जी, टेंशन के लिए क्या करें? कहां है टेंशन? दिमाग के अंदर। और दिमाग कहाँ है? दिल के अंदर। और दिल कहाँ है? शरीर के अंदर। और शरीर की तो दवाई सारी मेडिकल साइंस के पास है, वो तो मैं टेम्पररी रिलीफ दे सकता हूँ। अच्छा टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, परमानेंट नहीं मिलेगा? परमानेंट नहीं मिल सकता। एक बार ये व्यक्ति दिल्ली से कानपुर आया और उसने पूछा भाई साहब मंदिर कहाँ है, तो हमारे प्रमोद भाई का अनुप अनुप भाई ने कहा गुरुद्वारे के सामने मंदिर है। तो उस व्यक्ति ने पूछा गुरुद्वारा कहाँ है, मंदिर के सामने, और दोनों आमने सामने। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर टेंशन कहाँ है? अगर बॉडी में है तो मेडिकल साइंस तो हमारी बॉडी को क्योर कर सकती है, ठीक कर सकती है, सब कुछ हो सकता है। फिर मेडिकल साइंस में स्ट्रेस की, टेंशन की, डिप्रेशन की दवाई क्यों नहीं है? इस बेसिक बात को आज हमें समझने की जरूरत है। कौन बताएंगे? आइयो बेनो, स्ट्रेस टेंशन हमारी बॉडी में नहीं है, दो चीजें हैं। मैंने आपको पहले बोला एक है हार्डवेयर और दूसरी है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर तो ये है जिसको आप देख रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है भाई सब? आज सबको जवाब दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? आत्मा। मैं बहुत बारी एग्जांपल देता हूं भाई सब, आपका नाम? सुरेश। सुरेश भाई आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है नहीं तो हो जाएगी, बोल दो जरा। हाँ कौन सी गाड़ी है बोलिए, इनकम टैक्स वालों से नहीं डरना। हाँ बोलिए प्लीज, कौन सी गाड़ी है सुरेश भाई? बोलते नहीं है, संकोच कर रहे हैं, आवाज नहीं है, उसमें आवाज नहीं आ रही है, देखिए माइक से। अब मेरा बोलिए, कौन सी गाड़ी है सुरेश भाई? फॉर्च्यूनर। नहीं वो नहीं पूछा मैंने, आज बोलिए मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है। आज मेरा मर्सिडीज गाड़ी है। ताली बजाइए प्लीज। सुरेश भाई के पास कौन सी गाड़ी है? कपूर साहब मर्सिडीज गाड़ी है, लेकिन सुरेश भाई ड्राइवर अगाड़ी है, फिर क्या होगा?
सोचना पड़ गए आउट ऑफ सिलेबस कपूर सर मुझे पता लगा है आपके पास भी मर्सिडीज गाड़ी है लेकिन ड्राइवर अनाड़ी है फिर क्या होगा एक्सीडेंट आपसे अभी हवा की बारी निकल गई अनुशासन मेंटेन करना है प्लीज हाँ जी कपूर साहब एक्सीडेंट तो आज हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है एक्सीडेंट भाइयों बहनों हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है एक्सीडेंट वाई क्योंकि मर्सिडीज गाड़ी है लेकिन ड्राइवर अनाड़ी है दैट्स दी प्रॉब्लम तो आज हमें क्या करना है आज आपको यहाँ किस लिए बुलाया गया है कि आपकी गाड़ी तो ऑलरेडी मर्सिडीज है परफेक्ट है आपको खाना पिलाना सोना नींद करना सब कुछ आप कर रहे हैं लेकिन हमारा ड्राइवर जो है वो अनाड़ी है तो अगर हमें अपनी जिंदगी को परफेक्ट रखना है टेंशन फ्री रखना है नो स्ट्रेस तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाड़ी और ड्राइवर दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा लेकिन हमारी अटेंशन कहाँ है पूरी 99.9% अटेंशन मेरी हार्डवेयर पर है दैट्स द प्रॉब्लम आज से हम क्या करेंगे हम गाड़ी की देखभाल भी करेंगे और हम अपने ड्राइवर को भी ठीक बस फिर बात बन गई फिर आपको टेंशन नहीं हो सकती है राइट अब हम ड्राइवर को कैसे ठीक रखें तो नहीं ड्राइवर को कैसे ठीक रखेंगे बताइए आप बोलते नहीं मॉल में चले जाते हैं बार बार वैसा वो लाल रंग की पोशाक में बैठे हाँ जी आपका नाम जी हाँ बोलो तिवारी भाई आप नारायण दत्त तिवारी के परिवार से बिलोंग करते हैं ताली बजाते हैं प्लीज इनके लिए आप ताली से हल्की बजाते हैं कानपुर वाली ताली बजाइए बताइए तिवारी भाई क्या बोलता है दैट्स द प्रॉब्लम कहीं पर निगाह है यहाँ है तब तो पता लगेगा ध्यान तो ये पीयूष भाई का लेक्चर जल्दी पूरा हो तब हम जाके कर लो अपना काम करें फलाना करें ये करें दैट इज द प्रॉब्लम तिवारी भाई बच्चों को आप क्या बोलते हैं बार बार बच्चे मन लगा के पढ़ो हाजी हाजी क्या बोलते हैं बच्चों को बच्चे मन लगा के पढ़ो बच्चे बुद्धि लगा के पढ़ो आज आप अपने आप से पूछिए मेरा मन कहाँ है बताइए आपका मन कहाँ है मन मन यहाँ नहीं है दैट इज द प्रॉब्लम ठीक है तो हमें क्या करना है मन को यहाँ पर लगाइए बुद्धि से यहाँ बैठिए अटेंशन में तब आपको बातें समझ में आएंगी और तब आप स्ट्रेस फ्री हो सकेंगे वरना तो क्या होगा आए सुना चले गए लेकिन कोई फर्क नहीं लगा क्यों क्योंकि जो बातें यहां बताई जा रही हैं उनको धारण करने की शक्ति उनको रिटेन करने की शक्ति उनको ग्रहण करने की शक्ति हार्डवेयर में नहीं है वो शक्ति कहां है सुरेश भाई थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए प्लीज वो शक्ति कहां है और सॉफ्टवेयर हमारी यहां है नहीं तो क्या होगा फिर तो मुश्किल होगी ना इसलिए सॉफ्टवेयर भी यहां रहनी चाहिए देखो आप सब मंदिर जाते हैं हाजी या नाजी मंदिर में जाके क्या करते हैं बताइए कहते हैं मुख भगवान का नाम बोलता है और मन दुनिया में डोलता है हाजी या नाजी हाजी या नाजी और शांति किसको चाहिए तन को या मन को तो मन तो वहां है नहीं फिर कहां से शांति मिलेगी आप सारी जिंदगी मंदिर जाइए ठीक है तो आज हमें यहां तन और मन दोनों से बैठना है क्या करना है आज हमें क्या करना है तन से तो आप यहां है लेकिन मन आपका कहीं कहीं भाग रहा है इसलिए गीता में बार बार अगर आपने गीता पढ़ी हो मैंने बहुत गीता पढ़ी है तो गीता में बार बार एक ही बात आती है परमात्मा अर्जुन को एक ही बात कहते हैं अर्जुन मन मना भव क्या बोलते हैं तिवारी जी बड़े गंभीर हो गए हैं आउट ऑफ सिलेबस थैंक गॉड अर्जुन को क्या बताया गया भाइयों बहनों मन मना भव मन को मुझ में लगाइए क्योंकि मन जो है वो अशांत हो गया है मन जो है बेचैन हो गया है मन बेआराम हो गया है और इसके कारण सारी बीमारियां मेडिकल साइंस कहती है 90% से ज्यादा रोग मनोकायिक हैं
मनोकायिक माने माने पहले बीमारी कहाँ आई, पहले बीमारी आपके मन में आई, फिर बीमारी आपके तन में आई। तो आज से मैं क्या करना है, अगर मेरा मन ठीक हो जाए तो फिर तन भी ठीक हो गए, ठीक है। तो आज हमें अपने मन को ठीक करना है, राइट। मन को ठीक कैसे करेंगे बताइए, हमारी तीन शक्तियां बैठी हैं, मुस्कुराती नहीं है, बड़ी गंभीर हो गई। मन को ठीक कैसे करेंगे बहन जी बताइए, आपका नाम जी? शिप्रा। बोलिए, दिल्ली में एक बहुत बड़ी शिप्रा मॉल है, आप उसकी मालकिन तो नहीं है? ताली बजा दें प्लीज इनके लिए, आप ताली फिर सबकी बजाते हैं, कान के वाली ताली बजाइए। हाँ जी बोलिए शिप्रा जी, मुस्कुरा के बोलेंगे तो राइट आंसर दे सकती है। क्या सवाल पूछा? सोच चेंज करना। कैसे करेंगी चेंज? आउट ऑफ सिलेबस नहीं। नेक्स्ट बहन जी आप बताइए, आपका नाम? नहीं आपसे पूछ रहा हूँ जो बीच में बैठी है। अच्छा कुछ नहीं बोलेंगे, नाराज है मुझसे? मैं आपसे मिले दिल्ली से आया हूँ और आप कहते हैं मैं बोलूंगी नहीं। हाँ जी आप बोलिए बहन जी, आपका नाम? पॉजिटिव थिंकिंग। आपका नाम बताइए? नितिका का। हाँ जी नितिका जी, क्या करेंगे? पॉजिटिव थिंकिंग। सारी दुनिया नेगेटिव सोच रही है, आप कैसे पॉजिटिव सोच रहे हैं? अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कर। वो परमात्मा से कनेक्शन होता है जी? होता है। कैसे? आउट ऑफ सिलेबस बोलते हैं। मेडिटेशन से। मेडिटेशन क्या है? योग क्या है? उसका साथ। उसका साथ माने किसका साथ? परमात्मा। कहाँ है वो? हाँ बोलिए, आप ठीक बोल रहे हैं। परम राम। और आप कहाँ हैं? मैं चाहती हूँ उसके पास। आप जाती हैं या जाना चाहती हैं? जाती हूँ। ओके तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई बोले, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने मन को दुरुस्त करना पड़ेगा। किसको ठीक करना है? हमें किसको ठीक करना है? अपने मन को ठीक करना है। और मन को ठीक करने की विधि क्या है? मन को ठीक करने की विधि क्या है? मन को स्ट्रेंथन कैसे करें, मन को एम्पावर कैसे करें, मन को एनलाइटन कैसे करें, मन को एनरिच कैसे करेंगे? ये सब शरीर को खाना खिलाते हैं, शरीर को सुलाते हैं, शरीर को विश्राम दिलाते हैं, शरीर ठीक रहता है। मैं दिल्ली से आया, मैंने भोजन किया, मैं आधा घंटे थोड़ा सो गया, अभी अब मैं फ्रेश हूं, अभी शरीर फ्रेश हो गया। ऐसे ही मन को कैसे फ्रेश करेंगे, मन ताजा कैसे होगा? कब वो सब आउट ऑफ सिलेबस? आउट ऑफ सिलेबस कहते हैं, आउट ऑफ सिलेबस। सुरेश जी आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस, ये देखिए गड़बड़ी हो रही है भाई साहब, आप कुछ उनको बोलिए ना जी, हाथ जोड़ के कहते आप ही बोलिए, थैंक यू वेरी मच। कैसे करेंगे बताइए? सेंसर आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, शायद कोई राज है जो दिल में छिपा रहे हैं, प्लीज आप बताइए। आपका नाम? अरविंदर। बताइए सर, पीछे और एक सेंसर साहब बैठे हैं। हाँ जी भाई साहब बोलिए, जो छुपेंगे ना मैं उसे सबसे पहले सवाल पूछता हूँ। हाँ बोलिए, कुछ तो बोलिए, मुख तक खोलिए, कुछ बोलते नहीं आज, मौन है ये कानपुर के लोग। सर क्या सवाल पूछा, क्या प्रश्न पूछा भाइयों बहनों? देखो प्रश्न ही बताना। तिवारी भाई आपका नाम मुझे याद हो गया है जी, आपसे पूछा नहीं, आप अनुशासन तोड़ रहे हैं, ये गड़बड़ी नहीं करनी है। तिवारी जी बोलिए, मन को ठीक कैसे करेंगे बताइए प्लीज। देखो प्रॉब्लम, मन को ठीक कैसे करेंगे? हाँ सर जी, यस पास जान, आपसे तो पूछा ही नहीं, नंबर आ गया, अनुशासन तोड़ रहे हैं। सर जी सरदार पटेल के वंशज हम लोग। ओके वल्लभ भाई पटेल के वंशज। वेरी गुड, बताइए अपनी सुबह से शाम की जो दिनचर्या है। ओके जो 24 आवर हमको दिए भगवान ने, दिए हुए परमात्मा ने 24 घंटे दिए हैं जी, उस 24 घंटे का दशांश जी अगर हम अपने शरीर में, मन में, तन में, सिस्टम में लगा देंगे तो ये जो आपका ये वर्कशॉप ऑफ द स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये 99% ओके हो जाए। ओके वेरी गुड, ताली बजाएंगे लिए बोल दूंगा। ओके इसके लिए हमको अपना भोजन की व्यवस्था, क्या खाना है, क्या ही हुआ, कितने टाइम उठना है, कितना योग करना है, कौन से योग करना है, शाम को नींद 8 घंटे की पूरी करनी है, दिन में काम कब क्या करना है, कब कहाँ करना है, इसके लिए डायरी मेंटेन करना पड़ेगा। वेरी गुड, उस डायरी के हिसाब से
ओके। तो अब हमें समझ में आया कि जैसे हम अपने शरीर को ठीक रखने के लिए भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, स्नान करते हैं, ऐसे ही अब हमें अपने मन को भी ठीक रखना है। और भाइयों बहनों, मन को ठीक रखने की विधि क्या है? मन को ठीक रखने की विधि, हाँ जी, आप अनुलोम विलोम 20 मिनट नॉन स्टॉप कर लीजिए, 99% मन आपका ठीक हो जाएगा। ओके, वास्तव में अनुलोम विलोम से मन ठीक नहीं होता है, उसे तन ठीक होता है। ओके, मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ। हमारा मन कैसे ठीक होगा? मन को ठीक करने की एक ही विधि है कि हमारा मन पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे। हमारे मन के बारे में रिसर्च हुई, शोध हुआ, और शोधकर्ता कहते हैं 24 घंटे में हमारे मन में 50,000 से लेकर 80,000 तक थॉट्स क्रिएट होते हैं। भाइयों बहनों, हमारा मन कैसे दौड़ रहा है? कैसे दौड़ रहा है आप सोच सकते हैं? सवेरे से लेकर रात तक, शाम तक 50,000 से लेकर 80,000 तक थॉट्स हमारे मन में आते हैं। कोई व्यक्ति सवेरे से लेकर शाम तक दौड़ता रहे तो उसका हाल क्या होगा? शाम क्या होगा? और हम क्या हो गए बताइए? हैं बहन जी, आप थक गई हैं? बहन जी उधर नहीं देखिए, इधर देखिए, थक गए आप? क्यों शिल्पा जी? शिल्पा जी थक गई हैं? नहीं, अरे सर सारी दुनिया थकी हुई है। मैं आपका औरा पढ़ रहा हूँ। औरा समझते सुरेश जी? औरा समझते? औरा माने क्या है? औरा औरा माने आभा मंडल, माने प्रभा मंडल, माने सॉफ्टवेयर की शक्ति, वो यहां से हमारे नजर आती है। तो मुझे सभी का औरा कैसा नजर आ रहा है? सभी विजिबली टायर्ड, विजिबली टेंस। क्यों क्यों थके हुए हैं? तन से ज्यादा आज हम मन से थक गए हैं। ओके? तो अगर हमें अपने मन को फ्रेश रखना है, अपने मन को ताजा रखना है, तो भाई बहनों उसकी विधि क्या है? उसकी विधि क्या है? हमें पॉजिटिव सोच करनी पड़ेगी। पॉजिटिव सोच कैसे करेंगे? अच्छा, कैसे करेंगे? अच्छा, मेडिकल साइंस ने हमें बताया है, उन्होंने शोध किया है कि सवेरे आप जितने बजे भी उठते हैं, उठने के बाद जो पहला घंटा होता है, जो पहला आधा घंटा होता है, मेडिकल साइंस ने उसको नाम दिया है गोल्डन आवर ऑफ द डे। भाइयों बहनों, क्या नाम दिया? सवेरे उठने के तुरंत बाद जो पहला घंटा है, जो पहला आधा घंटा है, मेडिकल साइंस उसको कहती है वो हमारे दिन का स्वर्णिम घंटा है। वो क्या है? वो आधा घंटा, वो एक घंटा डिसाइड करेगा कि आज मेरा दिन कैसा गुजरने वाला है। अब आप मुझे बताइए, हमारा कैसे शुरुआत होती है दिन की? बोलिए, हाउ डू वी स्टार्ट आवर डे? व्हाट्सएप डे। अरे कैसे हम शुरुआत करते हैं दिन की बताइए? व्हाट्सएप डे। हाँ बैठिए। कैसे शुरुआत करते हैं? आप बैठिए प्लीज। कैसे शुरुआत करते हैं? या तो मोबाइल से बात करते हैं, इंटरनेट पर होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, लेकिन कभी अपने आप से बात नहीं करते हैं। ये सुन लो भाई साहब जो अभी भी पधारे हैं, आपका नाम पीयूष भाई, और मैं भी पीयूष भाई, ताली बजाइए इनके लिए। आपने ताली फिर से कानपुर वाली बजाई। पीयूष भाई, मैं बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहा था, कहाँ थे? थैंक यू, फिर भी देर आए और दुरुस्त आए। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ भाइयों बहनों, सवेरे हमें जल्दी उठना है, और जल्दी उठ के क्या करना है, क्या करेंगे कल सवेरे? हम सेल्फ डायलॉग करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे कल? माने हम अपने आप से क्या करेंगे? ये मिस कर रहा है सर। हम क्या करेंगे कल सवेरे? अपने आप से बात करेंगे। पीयूष भाई कैसे करेंगे अपने आप से बात? हाँ वो तो ठीक है, बैठिए, खड़े हो, नहीं है, कैसे करेंगे अपने आप से बात? मिस कर रहा है, लीड वाला है, मुझे लीड वाला भी दे सकते हैं? हाँ जी बोलिए पीयूष भाई। आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस पूछ ली।
बोलते नहीं हेलो हाँ जी पहले तो मैं अपने आप से पूछूंगा मैंने क्या क्या गलतियां की हैं वो फिर वही नेगेटिव टॉक मॉडर्न में ही पहले हम गलत करेंगे तो ही तो हम सुधारेंगे उसको ओके सुरेश जी आप बताइए सेल्फ डायलॉग माने क्या प्लानिंग करेंगे हाँ प्लानिंग और कौन बताएंगे भाई साहब आपका नाम सोनू भाई बोलिए अपने आप से बात करेंगे अपने से सुधारेंगे हाँ और बताइए कोई पीछे से बोलेंगे हाँ जी नाम संदीप मल्होत्रा हाँ संदीप भाई बोलिए सर अपनी दिनचर्या प्लान करेंगे ओके टाइम टेबल शेड्यूल टाइम वर्किंग कैसे के साथ वेरी गुड वेरी गुड जैसे कि प्लान हो गया उसी हिसाब से फिर अपना दिन शुरू करें ओके ओके और कोई पीछे से बोलेंगे आप पीछे वाले कोई बोले मुझे आपके नाम पता नहीं है मतलब मैं नाम से पूछता एनीबॉडी सेल्फ डायलॉग माने क्या आप कुछ बोलते हैं ओके ओके देखिए दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की हाँ जी अन्ना जी दुनिया वालों से बात करने के लिए बोलिए दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है लेकिन खुद से बात करने के लिए मौन की जरूरत है तो कल सवेरे क्या करेंगे कल सवेरे क्या करेंगे दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है लेकिन स्वयं से बात करने के लिए मौन की जरूरत है और फोन के लिए सुरेश भाई बिल चाहिए क्या चाहिए सब क्या चाहिए फोन के लिए फोन के लिए बिल चाहिए और मौन के लिए दिल चाहिए तो कल सवेरे हम क्या करेंगे दिल से राइट आप जिस टाइम पर भी उठते हैं मैं ब्रह्मा कुमारी में 34 सालों से हूं और यहाँ का एक स्लोगन मुझे बहुत पसंद है जिसको मैंने अपने जीवन में धारण किया है रात को 10 माने बस रात को 10 माने रात को 10 माने और सवेरे 4 माने तैयार आप टेंशन में नहीं है ना पीयूष भाई ठीक है ताली बजाने के लिए आप ये रूटीन 1 महीने फॉलो कर लीजिए ओनली 1 मंथ और अगर 1 महीना भारी लगता है तो आप ये रूटीन 1 हफ्ते फॉलो कर लीजिए आज कौन सी तारीख है 18 आज कौन सा दिन है शनिवार से अगले शनिवार तक आप ये रूटीन फॉलो कर लीजिए रात को 10 माने और सवेरे 4 माने एक फोटो हमारे भाई साहब ने आज आपका खींचा है एक हफ्ते के बाद खींचवा लीजिए आपके चेहरे का ग्लो आपके चेहरे की आभा आपके चेहरे का नूर बदल जाएगा और वो भी बिना फेयर लवली के प्लीज बोलिए रात को 10 माने और सवेरे 4 माने आप ये कर लीजिए ठीक है 4 बजे उठेंगे बहुत अच्छा है लेकिन टेंशन नहीं लेना अगर 4 बजे उठना मुश्किल लगता है तो आप जिस टाइम पर रेगुलरली उठते हैं उससे आधा घंटे पहले उठ जाइए राइट पॉसिबल कपूर साहब आप थोड़े ज्यादा रिलैक्स लग रहे हैं ताली बजाने के लिए 4 बजे उठेंगे नथिंग लाइक दैट लेकिन अगर 4 बजे नहीं उठ सकते हैं तो जिस टाइम पर उठते हैं उससे आधा घंटे पहले उठ जाएंगे दुनिया में कहावत है जो सवेरे सूरज को उठाते हैं जो सवेरे सूरज को उठाते हैं वो जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल जाते हैं ताली बजाइए प्लीज और जिनको सवेरे सूरज उठाता है वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं तो कल सवेरे हम क्या करेंगे मिसेस कपूर अब तो मुस्कुराइए प्लीज क्या करेंगे आपका मोबाइल नंबर मेरे पास आ गया है मैं कल सवेरे फोन करके पूछ सकता हूँ आपको राइट ताली बजाते प्लीज कल सवेरे हम जिस टाइम पर उठते हैं आधा घंटे पहले उठेंगे और आधा घंटे के लिए कोई मोबाइल इंटरनेट न्यूज़पेपर, टीवी नेटवर्क फेसबुक इंस्टाग्राम कोई भी चीज हम यूज नहीं करेंगे ओनली फॉर हाफ एन आवर पॉसिबल हाथ उठाइए प्लीज पॉसिबल वेरी गुड बहुत जोरदार ताली बजाएं प्लीज
और कल सवेरे हम सेल्फ डायलॉग करेंगे। सेल्फ डायलॉग बने उसकी प्रैक्टिस मैं आपको कराता हूँ। भाई सभी खड़े हो जाए प्लीज, सभी खड़े हो जाइए, बहुत देर से बैठे हैं, सभी खड़े हो जाइए और अपना हाथ ऐसे करिए, बिल्कुल सीधा करिए और सीधा करिए, जैसे मेरा हाथ है ना, बिल्कुल सीधा। एक बार और स्ट्रेच कर लीजिए, ओके, और अपने हाथ को ऐसे मोड़िए जैसे मैंने मोड़ा, देख रहे, हाथ जाइए आपकी तरफ हो जाए और पीछे लेके जाइए और सभी बोलकर के मेरे साथ बोलिए शाबाश। आवाज की आती शाबाश शाबाश, फिर आवाज चलेगी, दोबारा से बोलिए आई एम ओके आई एम ओके आई एम ओके। तीसरी बात बोलेंगे आई एम यूनिक आई एम यूनिक आई एम यूनिक। और अंतिम बात सभी मिलकर के बोलेंगे वाह मेरा भाग्य वाह वाह मेरा भाग्य वाह वाह मेरा भाग्य वाह। थैंक यू, बैठिए प्लीज। ये हमने क्या किया सुरेश भाई, ये हमने क्या किया, ये हमने सेल्फ डायलॉग कर लिया, क्या किया, ये मेरी मेरे से मुलाकात हो गई। आज तक मैं सारी दुनिया से मिलता रहा लेकिन मेरी मेरे से मुलाकात नहीं हुई, तो आज से हम अपने स्पाउस से, अपने बॉस से, अपने पड़ोसियों से शाबाशी की उम्मीद छोड़ दीजिए। कपूर सर, अब हम सबको शाबाशी देंगे, ताली बजा दें प्लीज, आसन करेंगे, हम सबको शाबाशी देंगे। आपका बच्चा अगर सवेरे उठ के आपको बोलता है हाय मॉम हाय डैड, तो आप उस बच्चे को तुरंत रोकिए, बच्चे ये इस देश की संस्कृति नहीं है, हमें क्या बोलना है, वाह वाह बोलना है। क्या बोलेंगे अपने बच्चों को, क्या बोलेंगे, हाय हाय माने घर में सवेरे सवेरे नेगेटिव एनर्जी फैल गई, तब वो घर क्या बन गया, कोई भी घर अच्छा महंगे सोफे सेट से नहीं बनता है, महंगी दीवारों से नहीं बनता है, वहां वाइब्रेशंस। आज हम सब मंदिर में जाते हैं, भाई साहब आप जाते हैं मंदिर, आपका शुभ नाम राजेश भाई, बोलिए राजेश खन्ना है आप, ताली बजाएं प्लीज। राजेश भाई घर में मंदिर में कोई फर्क है, आपसे नहीं पूछा प्लीज, अनुशासन, हाँ जी आउट ऑफ सिलेबस पूछ रही है, बताइए प्लीज, गाड़ी मंदिर है फिर मंदिर क्यों जाते हैं, सोच में पड़ गए भाई साहब, जो कोने में बैठे हैं आप बड़े दूर बैठे हैं, कौन सी पार्टी में है आप, इसी में है आपका शुभ नाम, महेश भाई बोलिए, क्या बोल, क्या सवाल पूछा, मंदिर का और घर का कोई फर्क है महेश भाई, बताइए बताइए प्लीज, ओ मेरे बाबा क्या बोल रहे हैं, समझ समझ कहते घर में शांति रहती है और मंदिर में, माय गॉडनेस, अगर किसी पुजारी ने सुन लिया तो बड़े नाराज हो जाएंगे आपसे, घर में मंदिर में कोई फर्क है, हाँ जी भाई साहब आपका शुभ नाम, अनुप भाई बोलिए, हाँ जी घर में और मंदिर में मुझे जो पर्सनली फर्क लगता है वो ये है जी, कि मंदिर में जो लगातार भगवान की पूजा होती रहती है जी, उनका जो आपने जो होता है आभा मंडल वहाँ का इतना पावरफुल हो जाता है कि हम भी वहाँ जाने के बाद उस पावर से जुड़ जाते हैं। बहुत अच्छा, जोड़ा काली बजाए, यस, घर में और मंदिर में बहुत बड़ा अंतर है, घर की दीवारें अच्छी है, मंदिर के वाइब्रेशन अच्छे, यस और नो, काली बजाइए। कल सवेरे हम सब अपने घर में एक चमत्कार करेंगे, कल हमारे घर में क्या होगा कपूर साहब, चमत्कार, मैं कल आपके घर आने वाला हूँ सवेरे, राइट, ओके, कल सवेरे हम क्या करेंगे, कल सवेरे हम अपने घर में एक चमत्कार करेंगे, जैसे ही उठेंगे एक
बारी आपने अपने आप को शाबाशी दी तो आप महसूस करेंगे आपका वो कमरा पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो गया। दूसरी बारी शाबाशी दी, तीसरी बारी शाबाशी दी, अब आपका लॉन, आपका किचन, आपका डाइनिंग सब जगह क्या है भाइयों बहनों? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तब आपका राजेश भाई जरा मुस्कुराइए तो सही प्लीज, आपका घर क्या बन गया? क्या बन गया पीछे वाले? आपका घर क्या बन गया? मंदिर। एक हफ्ते के लिए हम अपने घर में गुस्सा नहीं करेंगे, हाथ उठाइए प्लीज, ध्यान रखना। मिसेस कपूर आप हाथ नहीं उठा रही, कुछ गड़बड़ी है क्या? उनको नहीं देखना, अपने आप को देखना है, गड़बड़ी कर रही है। देखिए थैंक यू, ताली बजाइए। से लेकर एक हफ्ते के लिए अब मेरा घर घर नहीं है, लेकिन वो घर क्या बन गया? मंदिर बन गया। इसलिए मुझे वहां क्रोध नहीं करना है। सामने वाला क्रोध कर रहा है वो उसका पार्ट, मेरा पार्ट क्या है? हमारे मुख से बहुत बारी निकलता है मुझे इन्होंने गुस्सा दिलाया। तो भाइयों बहनों ताकतवर कौन है? तिवारी जी। सामने वाले ने मुझे क्रोध दिलाया तो ताकतवर कौन है? आप चाहते हैं कि सामने वाला आपसे ज्यादा ताकतवर हो? तो आज से हमें क्या करना पड़ेगा? उसने गुस्सा किया वो उसका पार्ट, नाउ व्हाट इज माई? ओके, तो एक हफ्ते के लिए हम अपने घर को मंदिर बनाएंगे, एक्सपेरिमेंट। फिर सदा के लिए बनेगा हमारा घर मंदिर। हम क्रोध नहीं करेंगे, शाबाशी देंगे। दूसरी बात कौन सी करेंगे अपने साथ सुरेश भाई? शाबाशी तो हो गई पूरी, और कोई नहीं बोलना। हाँ जी, देखो कहते हैं भाई साहब मेरे बॉस ने मुझे 6 महीने पहले बात कही थी, वो मेरे सीने के आर पार हो गई है। मुझे दिखाओ कहाँ? कहीं नहीं है। और यहाँ 5 मिनट पहले मैंने बताया, कपूर साहब आज मैं टीचर बन गया हूं। बताइए दूसरी बात कौन सी करेंगे? सेल्फ डायलॉग अपने साथ। आपसे नहीं पूछा प्लीज अनुशासन। नहीं, आपने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। दूसरी बात कौन सी करेंगे? आई एम ओके। मुझे अपने मन को कन्विंस करना है कि मैं बीमार नहीं हूं। बीमारी कब आई दोस्तों? बीमारी कब आई? आप किसी क्लब में गए, शादी में गए, पार्टी में गए और किसी सामने वाले ने बोल दिया, ओह मिसेस कपूर आपका चेहरा तो बड़ा कमजोर लग रहा है, बस तुरंत बीमार पड़ो। प्लीज डोंट माइंड, राइट? तो हमने सामने से नेगेटिव एनर्जी आई और मैंने उस नेगेटिव एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया तो मैं बीमार पड़ गया। फिर आज से मुझे क्या करना है? मुझे अपने मन को कन्विंस करना है आई एम ओके, बीमार नहीं हूं। सेल्फ डायलॉग में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हम अपने साथ करने वाले हैं। इसको मेडिकल साइंस कहती है फेथ हीलिंग। मेडिकल साइंस क्या कहती है इसको? आस्था से उपचार। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है अगर आप अपने मन कन्विंस कर ले कि मैं ओके हूं। कानपुर शहर शास्त्री नगर का एक बहुत नामी ग्रामी कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट समझते हैं राजेश भाई? कार्डियोलॉजिस्ट माने दिल के डॉक्टर, ओके? और उनकी पत्नी दिल की पेशेंट। ध्यान से सुनना, शास्त्री नगर कानपुर के बहुत नामी ग्रामी कार्डियोलॉजिस्ट माने दिल के डॉक्टर और उनकी पत्नी दिल की पेशेंट दोनों मूवी देख रहे। दोनों कहां चले गए? कहां चले गए? मूवी देखने चले गए। मूवी वाज ऑन, दे वर एंजॉयिंग मूवी लाइक एनीथिंग। तो पत्नी ने कहा सुनी है डॉक्टर साहब ने कहा सुनाइए, कहते मुझे सीने में बड़ी पड़ी है, आपके पास कोई दवाई है? तो डॉक्टर साहब मुस्कुरे, कहते मेरे पास दवाई है, आप ये गोली अपने जीभ के नीचे रख लीजिए। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, डॉक्टर साहब ने पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं? तो मैडम मैं तो ठीक हूं, आई एम ओके। तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए, कहते मेरे कोट का बटन
जो आपकी जीभ के नीचे रखा है उसको वापस कर दीजिए। तालियां प्लीज। दोस्तों इस घटना से हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा? फीलिंग। क्या सीखा हमने? आप हर बीमारी का उपचार आपके यहाँ है, लेकिन बीमारी क्यों आती है? वेरी अपसेट, मैं बीमार हूं, तो फिर दुनिया का कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए बड़े बड़े डॉक्टर भी कहते हैं आई ट्रीट एंड ही क्योर्स। दवाइयां तो बहुत थोड़ा सा काम है, दवाइयों का काम बहुत थोड़ा सा है, ज्यादा काम दुआएं करते हैं। तो आज से हम क्या करेंगे शिप्रा जी? तो मुस्कुराइए तो सही प्लीज। आज से हम क्या करेंगे? हम पैसा भी कमाएंगे और हम पुण्य भी कमाएंगे। पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन पुण्य कोई कोई कमाता है, और जो पुण्य कमाता है वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता है, उसके चेहरे का ग्लो बढ़ता ही जाता है। मैं दो हफ्ते पहले माउंट आबू गया, दादी जानकी जी से मिला, 102 साल की आयु दादी जी की, और चेहरा उनका ऐसा चमक रहा है कि आप चाहें तो अपना चेहरा उनके चेहरे में देख सकते हैं। उन्होंने जिंदगी में कभी फेयर एंड लवली नहीं लगाई। कहां से ग्लो आया राजेश भाई? थोड़ा मुस्कुराइए तो सही प्लीज। कहां से ग्लो आया? क्योंकि दादी जी का हाथ ऐसे है, या तो उनका हाथ ऐसे है। तो आज से हमें क्या करना है पीयूष भाई? सबको बैठिए प्लीज, खड़े होने की जरूरत नहीं है, सबको कुछ ना कुछ दीजिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, वो जिंदगी नहीं है, वो इस देश की संस्कृति नहीं है। आज हम सेल्फ सेंटर्ड बन गए, अपने लिए ले लो ले लो ले लो, फिर क्या करेंगे उसको बताइए? क्या करेंगे लेकर? मनी हैज विंग्स, धन कभी किसी के पास रहा ही नहीं, उसको फ्लो करना ही पड़ेगा आपको। तो आज से मुझे क्या करना है? मुझे जो भी मेरे पास आएगा मुझे उसको कुछ देना है। और मुझे पता लगा है कानपुर में किसी को पैसे की जरूरत नहीं है, सब यहाँ करोड़पति हैं, आप सब भी करोड़पति हैं। ताली बजाए अपने लिए, आप ताली हल्की बजा रहे हैं, राइट? आज यहाँ किसी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, तो कपूर साहब क्या देंगे आप सब? देखिए आप यहां से बाहर निकले, आप कोई टेंशन में है, आप कोई प्रॉब्लम में है, आप कोई समस्या में है, आपने एक छोटा बच्चा देखा और वो बच्चा मुस्कुरा रहा है, तो जैसे ही मुस्कुराते हुए बच्चे को आपने देखा कपूर साहब, आपको क्या हुआ? उतने समय के लिए मैं अपनी टेंशन को, ताली बजाइए प्लीज। छोटे बच्चे ने मुझे क्या दिया? सुरेश भाई मुस्कुराहट। और मुझे देख करके सामने वाले को क्या होता है? पता नहीं बॉस का मूड कैसा है, घर में पत्नी कहती है पता नहीं बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, वाई मेरा मूड कैसा होना चाहिए? ऑलवेज स्माइलिंग, प्रॉब्लम्स कम प्रॉब्लम्स गो। कोई भी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में परमानेंट नहीं है, ये सुन लो, इसलिए परमानेंट क्या होना चाहिए? माई स्माइल। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुए, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुए, हार कर भी मुस्कराना जिंदगी है। ताली बजाइए प्लीज। आज सब क्या करेंगे? छोटा बच्चा एक दिन में 400 बार स्माइल करता है। राजेश भाई आप अभी भी स्माइल नहीं कर रहे हैं क्या? वो आज से क्या करेंगे? आज से क्या करेंगे? कुछ भी हो जाए मेरी स्माइल मुझसे दूर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ईगो दिस इज स्माइल और स्ट्रेस। अगर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो फिर चेहरे पर तनाव है। क्या पसंद है? बताइए तो मुस्कुराएंगे, उस बात पर नहीं। ओके okay, और तीसरी बात कौन सी करेंगे? आई एम यूनिक, मैं विशेष हूं, यह सुनना।
आप सभी विशेष हैं, वैसा बोलिए, कहते जो बोले वही को दिख बोले, कैसे कैन यू प्रूव? सोच में पड़ गए हैं, आउट ऑफ सिलेंस, कैसे ओके शिल्पा जी, आप बड़ी गंभीर होती है, आप यूनिक है लगता तो नहीं है, भाई सब कह रहे हैं तो बोल देते हैं, तिवारी भाई आप यूनिक है, मुस्कुराइए तो सही प्लीज, हाँ जी है ना, बोलते नहीं, आप सब यूनिक है, कैसे? आज दुनिया की आबादी 750 करोड़ से भी ज्यादा, कितनी पॉपुलेशन है दुनिया की, कितनी पॉपुलेशन बताइए, 750 करोड़ से भी ज्यादा, लेकिन मेडिकल साइंस कहती है कोई भी दो डीएनए एक जैसे नहीं है, हाजी अनाजी, हाजी अनाजी, मेडिकल साइंस कहती है कोई भी दो उंगलियों के निशान भी एक जैसे नहीं है, ताली बजाइए बजाइए, तो आप क्या है भाई सर, अब तो मुस्कुराइए, मेरे जैसा इंसान अमेरिका में नहीं, इंग्लैंड, साउथ इंडिया में नहीं, कहीं भी नहीं है, तो मैं क्या हूं, आई एम यूनिक, सेकंड टू नन, तो आज से मुझे क्या करना है, मुझे किसी को भी कॉपी नहीं करना है, क्या नहीं करना है, मुझे किसी को भी कॉपी नहीं करना है, क्योंकि कॉपी करेंगे तो क्या होगा भाई साहब, आप बहुत गंभीर हो गए, मुस्कुराते नहीं, कॉपी करेंगे तो क्या होगा, आप बनेंगे मैनेजर, क्या बनेंगे पीयूष भाई, कॉपी करेंगे तो क्या बनेंगे, कॉपी करेंगे तो बनेंगे मैनेजर, और कुछ नया करेंगे तो बनेंगे लीडर, राजेश भाई क्या बनना चाहते हैं, है जी, लाइक लालू प्रसाद, मना करते हैं, लालू प्रसाद को कौन कौन जानते हैं, हाथ उठाए प्लीज, अच्छा सारे लोग जानते हैं, ओह आपकी जीके बड़ी अच्छी है, ताली हो जाइए अपने लिए, कितने बजे पूरा करना है, पूरा मुझे टाइम का कुछ पता नहीं है, ओके ओके, तो लालू प्रसाद जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो जापान चले गए, कपूर साहब ध्यान से सुनना, कहाँ चले गए, सुरेश भाई कहाँ चले गए, और वहां के प्रधानमंत्री से मिले, उन्होंने कहा लालू साहब अगर 3 साल के लिए आप अपना बिहार हमें दे दो तो हम उसको जापान बना सकते हैं, लालू जी को ताव आ गया, कहते आपने कौन सा 3 बार लिया, अगर 3 महीने के लिए आप अपना जापान हमें दे दो हम उसको बिहार बना सकते हैं, ओके फ्रेंड्स, हमें लीडर बनना है लाइक महात्मा गांधी, लाइक अब्राहम लिंकन, लाइक विवेकानंद, लाइक डॉक्टर कलाम, लीडर और मैनेजर में क्या फर्क है, लीडर मैनेजर में क्या फर्क है बताइए, ओके और पीयूष भाई आउट ऑफ सिलेबस बताइए प्लीज, आप लीडर है या मैनेजर है, सोच में पड़ गए हैं, सोच के बोल रहे हैं तो कुछ गड़बड़ी है, लीडर और मैनेजर में क्या बताइए, लीडर नया करता है, आपसे तो पूछा ही नहीं कपूर साहब, आप अनुशासन तोड़ रहे हैं, चलिए बोलिए कोई बात नहीं, लीडर नया करता है और मैनेजर कॉपी, ताली बजाइए प्लीज, नो कॉपी, आज से मुझे किसी को कॉपी नहीं करना है, क्योंकि कॉपी करने से क्या होता है, आप मैनेजर बनेंगे और नया करेंगे तो आप लीडर बनेंगे, एक बड़ी रामलीलाएं हो रही थी, मिसेस कपूर आपने रामलीला देखी, थैंक यू, ताली बजा दें इनके लिए, ओके, और सीता जी की खोज होने वाली और हनुमान जी की तबीयत खराब हो गई, तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने सोचा क्या करें, कहते शास्त्री नगर के मार्केट में चलो, क्या पता कोई हनुमान बनने को तैयार हो जाए, कॉपी करने की बात, तो शास्त्री नगर के मार्केट में गए, देखा एक लंबा चौड़ा व्यक्ति कल्लू हलवाई बैठा हुआ है, तो उन्होंने सोचा ये व्यक्ति हनुमान बन सकता है, तो कल्लू जी के पास गए, ओम शांति बोला, कहा कल्लू जी आज रात को आपको हनुमान बनना है, जिंदगी में मैंने कोई रोल प्ले नहीं किया, सॉरी, एक बारी कहा, दो बारी कहा, कहा कल्लू जी ये सारे समाज की इज्जत की बात है और आपको कुछ करना ही नहीं है, तो कल्लू ने कहा क्या करना है, कुछ नहीं,
आप रावण के दरबार में जाना, रावण पूछेगा कौन हो, तो कहना मैं हूँ पवन पुत्र हनुमान, और कहते पूछेगा क्यों आए हो, तो कहना सीता माता की खोज करने आए, इतना मैं कर लूंगा। अब कल्लू जी ने मिठाई बेचना बंद कर दिया, रट्टा लगा लिया। क्या रट्टा लगाया कपूर सर? मैं हूँ पवन पुत्र हनुमान और मैं आया हूँ सीता माता की खोज करने। शाम हुई, रात हुई, हनुमान का चोगा पहना और कल्लू जी गदा हिलाते हिलाते रावण के दरबार में पहुंच गए। दूर से देखा रावण उससे 1 फीट लंबा। कल्लू जी डर गए और रावण ने गरज के पूछा, तुम कौन हो? मैं तो कल्लू हलवाई हूं। आपने बहुत तालियां बजी थी। रावण को बहुत गुस्सा आ गया, उसने पूछा क्यों आए हो? कहते जी माफ करना, मैं आने ही रहा था, मुझे जबरदस्ती ले आया। ओके, तो इस कहानी से फ्रेंड्स हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने क्या सीखा? नो कॉपी। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप कुछ वो करना चाहते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नया करिए, कुछ से हटके करिए, कुछ ऐसा करिए जो जो ओके, तो उससे आपको खुशी मिलेगी। आप यूनिक हैं, आपके अंदर वो करने का वादा है, वो शक्ति है, लेकिन वो सोनी पड़ी है। ओके, और चौथी बात क्या बोलेंगे सेल्फ डायलॉग में? वाह मेरा भाग्य, हल्के से बोल रहे हैं, वाह मेरा भाग्य, परमात्मा ने मुझे क्या नहीं दिया है, उसने मुझे सब कुछ दिया है, मैं उसका कितना धन्यवाद करूं। ओके, तो ये हो गया भाइयों बहनों सेल्फ डायलॉग, ये मेरा मेरे साथ संवाद हो गया। अब देखिए बाहर गर्मी बहुत है, लेकिन यहां यहां बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ एयर कंडीशनर चल रहे हैं। ये सब लोग तो गर्मी न आए ये चॉइस नहीं है, सामने वाला कुछ बोले नहीं ये चॉइस नहीं है। चॉइस क्या है? मैं अपने आप को इतना ऊंचा कर दूं, इतना ऊंचा कर दूं कि सामने वाले ने कुछ बोला उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़े। पॉसिबल? पॉसिबल, यस, दैट इज पॉसिबल। और तभी आप मुस्कुरा सकते हैं, तभी आप स्माइल करेंगे, तभी आप टेंशन से दूर रह सकते हैं। ओके, तो कल से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? कल सवेरे क्या करेंगे? जल्दी उठेंगे और जल्दी उठ कर क्या करेंगे? आधा घंटे के लिए हम मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, न्यूज़पेपर, फेसबुक, नो, हम अपना फेस देखेंगे, हम अपने आप से बात करेंगे, हम अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे, अपने आप को शाबाशी देंगे, अपने आप को कन्विंस करेंगे आई एम ओके, आई एम यूनिक, अपने आप को बोलेंगे, अपने आप को बोलेंगे वाह मेरा भाग्य वाह। यही मेडिटेशन है, यही सेल्फ डायलॉग है। ओके, मैं चाहूंगा कि अभी 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के, 10 मिनट के लिए आपको मेडिटेशन कराएं। उससे पहले एक्सरसाइज करते हैं। सभी फिर से खड़े हो जाएं प्लीज। हाँ, खड़े हो जाइए, वेरी गुड। और अपने अपने पार्टनर बनाइए, सामने खड़े हो जाइए। मैं क्या पार्टनर एंड स्टैंड फेसिंग ईच अदर, आप मेरे सामने खड़े हो जाएं प्लीज। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए प्लीज। सभी के पार्टनर्स बन गए, पीछे वाली लाइट्स भी ऑन कर दे प्लीज, मैं सबके चेहरे देखना चाहता हूँ। हाँ जी, ओके, सभी के पार्टनर्स बन गए, जिनके पार्टनर्स नहीं है अगर हाथ उठाएं। और भाई साहब आपका नाम? हाँ जी, क्या नाम? उत्तम पाल भाई। कहते हैं दुनिया के इस भीड़ में हम रह गए अकेले, कोई तो साथ ले लो, उनके साथ कोई चले जाए प्लीज। और हमारी शिप्रा जी भी है, ओके,
अपने पार्टनर के आमने सामने खड़े हो जाएं। ध्यान से सुने, अपने पार्टनर को बहुत प्यार से देखिए और मुस्कुराइए प्लीज। आप मुस्कुराते नहीं सुरेश भाई, क्या हुआ? अच्छा तो मुस्कुराइए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। हाँ सभी मुस्कुराए प्लीज, पीछे वाले भी मुस्कुराएंगे। दोबारा से अपने पार्टनर को बहुत प्यार से देखिए, फिर से मुस्कुराइए। हाँ मुस्कुराइए प्लीज। अब ध्यान से सुनेंगे, दोनों में से कोई एक पार्टनर अपनी मुट्ठी पूरी ताकत से बंद कर लेंगे, कोई एक पार्टनर, ओनली वन। चाहे कुछ भी हो जाए मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए, पार्टनर नंबर वन, राइट। पार्टनर नंबर टू एक हाथ से पूरी ताकत लगा के चाहे कुछ भी हो जाए मुट्ठी खोल के दिखानी है, शुरू हो जाइए प्लीज। मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए कपूर भाई। भाई साहब का नाम क्या है इनका? रमेश भाई, दिनेश भाई, एक हाथ से पूरी ताकत लगा के मुट्ठी खोल के दिखा रही है। यस, एक हाथ से प्लीज, ओनली वन हैंड। चलिए दोनों हाथ लगाइए प्लीज, दोनों हाथ लगाइए। थैंक यू, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। आपने एक्सरसाइज से क्या सीखा, लर्निंग क्या है? वैसा इन व्हाइट टी शर्ट, व्हाट्स योर नेम? हाँ जी अंकुश भाई, मैंने देखा बहुत जोर आजमाइश कर रहे थे, क्या सीखा बताइए प्लीज। तिवारी जी आप भी बहुत ताकत लगा रहे थे, मैंने देखा यहां से, क्या सीखा? आपसे पूछा नहीं प्लीज, अनुशासन। हाँ जी भाई साहब आप भी बहुत जोर आजमाइश कर रहे थे, मैंने देखा, क्या सीखा? मुस्कुराए बस। और दिस इज कपूर, आप भी बहुत ताकत लगा रही थी, मैंने देखा है उसे। लर्निंग क्या है एक्सरसाइज की? आपसे पूछा ही नहीं, अनुशासन तोड़ रहे हैं। कपूर सर बोलिए, क्या सीखा? ये सीखा कि ये मेरा भाई है, ओके, इसके लिए मैंने मुट्ठी खोल दी। ओके, ताली बजाइए प्लीज। एक्सरसाइज की फ्रेंड्स लर्निंग क्या है? मैंने पार्टनर नंबर वन को बोला कुछ भी हो जाए मुट्ठी खोलनी नहीं चाहिए, उनका ईगो बढ़ गया। आई हैव समथिंग, यस और नो? यस और नो? दूसरे पार्टनर चाहे कुछ भी हो जाए मुट्ठी खोल के दिखानी है, उनका भी ईगो बढ़ गया। आई हैव समथिंग फ्रेंड्स, दिस वाज द क्लैश बिटवीन टू ईगोज, यस और नो? यस और नो? काश आपने अपने पार्टनर को कहा होता मैं आपके साथ शेक हैंड करना चाहता हूं, सेंस ऑफ रिजल्ट क्या होता? ताली बजाएं प्लीज। ये इस एक्सरसाइज की फ्रेंड्स लर्निंग है, अगर हमें विजयी होना है, अगर हमें मुस्कुराना है, अगर हमें टेंशन से फ्री रहना है, तो हमें झुकना सीखना पड़ेगा, हमें विनम्र बनना पड़ेगा, हमें And calm and quiet रहना पड़ेगा। इसलिए कहने में आता है झुकता वही है जिसमें जान है, झुकता वही है जिसमें जान है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है, राइट? आसन करेंगे, झुक जाइए, ठीक है? अब हम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, सभी सीधे होके बैठ जाएं, सिट स्ट्रेट, आपकी बैक बोन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। डॉक्टर कहते हैं आपकी पीठ में दर्द क्यों होता है? क्योंकि आपका बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है। अगर ये नहीं बैठना है, लेकिन अलर्ट होके बैठना है, और आपके पैर जो है वो जमीन पर रखे हुए हो, पैर पर पैर चढ़ा के भी नहीं बैठना है। अगर आपके पैरों में कोई तकलीफ नहीं है, तो जब घर में मेडिटेशन करेंगे, तो मेडिटेशन का सर्वोत्तम आसन है क्रॉस लेग्स, आलती पालती लगा के। अगर पैरों में कोई मुश्किल है, तो चेयर पर बैठिए, सोफे पर बैठिए, कहीं भी बैठिए, क्योंकि मेडिटेशन में तन के आसन से ज्यादा जरूरी है मन का आसन। ओके, सिट स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे होके बैठ जाएंगे, और हाथों में कुछ भी पकड़ा हुआ है उसको साइड में रख लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, लेकिन सोना अलाउड नहीं है,
ओके, मैं थोड़ी कमेंट्री आपको दूंगा, उन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनते सुनते, शब्दों को दोहराएंगे नहीं लेकिन शब्दों के भाव में खो जाएंगे, और इस समय सबके मोबाइल्स बंद होने चाहिए, अपने मोबाइल्स को पावर ऑफ मोड पे कर लेंगे। चलिए, ओम शांति, थोड़े समय के लिए अपने चिंतन की धारा को बदलिए, अपने संकल्पों को बाहर की दुनिया से समेट लीजिए और अंतर्मुखी एकाग्रचित होकर अंतर जगत की यात्रा पर चलिए। यह शरीर मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा इसके मालिक हूं, यह देह मेरी गाड़ी है, मैं आत्मा इसकी चालक हूं, आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मैं चैतन्य शक्ति हूं। मेरा शरीर हड्डी मांस का बना हुआ पुतला है, भौतिक है, विनाशी है, लेकिन मैं आत्मा अचर अमर अविनाशी हूं, परमात्मिक हूं। मेरा शरीर हार्डवेयर के समान है और मैं आत्मा इसकी सॉफ्टवेयर हूं। मेरा मन संस्कार सर्व मुझ आत्मा के अधीन है, नियंत्रण में है। अब ध्यान अपने पैरों की ओर ले जाइए, महसूस करिए माई लेग्स रिलैक्स, नीज रिलैक्स, थाइज रिलैक्स, बेली रिलैक्स, चेस्ट रिलैक्स, आर्म्स रिलैक्स, नेक रिलैक्स, माउथ रिलैक्स, नोज
relaxed. Yes. Relaxed. Now, whole of the body is relaxed. Now, open the hand. अपने मस्तक के बीचों बीच अपने दोनों नेत्रों के मध्य भ्रकुटी में केंद्रित बड़ा चेंज हो गया है। बहुत जोरदार तालियां बजाएं। आपके मन में कोई प्रश्न है? कुछ भाई कुछ पूछना है। कोई प्रश्न है आपके मन में? किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है तो प्रसन्नचित हो जाइए, ताली बजाए अपने लिए। अब मैं अपनी बात पूरी करने से पहले एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूं। सारी सेमिनार, सारी संगोष्ठी, सारी बातें किसी को याद नहीं है, लेकिन कहते टेक आठ बांध लिए बताए सेमिनार कपूर को आमंत्रित। बहुत ज्यादा ताली आप यहाँ आए, अपना परिचय दें और फिर आपका टेक अवे क्या है। संकोच न करिए प्लीज, आप मुस्कुरा के बोलिए। हाँ जी, सेल्फ डायलॉग टेक अवे में सुबह उठ के सबसे पहले अपने आप से बात करें। वेरी गुड, और अपना परिचय देंगे? वेरी गुड, बहुत ज्यादा तालियां। तिवारी भाई जल्दी से आगे आइए प्लीज, अपना परिचय दीजिए और आपके लिए टेक अवे क्या है आज के सेमिनार का। आप प्लीज बहुत ज्यादा ताली बजाएंगे तिवारी भाई के लिए। हाँ जी, परिचय में विभव तिवारी। हाँ जी, छोटा सा ट्रांसपोर्ट है पंजाब गुजरात रोड कैरियर के नाम से, से। बताइए प्लीज। और मैंने एक गांठ बांधी है कि रोज शाम को 10 बजे सोऊंगा और सुबह 4 बजे उठूंगा। बहुत ज्यादा तालियां अंकुश भाई, जल्दी से आइए, बहुत ज्यादा ताली बजाएंगे अंकुश भाई के लिए प्लीज। का ताली थोड़ी हल्की बजाते हैं। हाँ जी, आप अपना परिचय दें और आपका टेक अवे क्या है। हाँ जी, मैं अंकुश खन्ना जी, ऐसे बोलेंगे राजेश खन्ना के छोटे भाई, ताली बजाएं प्लीज। भैया के छोटे भैया। हाँ जी बताइए। मेडिटेशन से बाबा से लिंक जुड़ेंगे। मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा से लिंक जुड़ेंगे, शक्ति लेंगे। बहुत ज्यादा तालियां। आपने कौन सी बात गांठ बांधी है? जीवन क्रोध का त्याग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। ज्यादा तालियां। और उसकी जगह धारण क्या करेंगे? एक बुराई छोड़ी एक अच्छाई धारण भी करेंगे। वो त्याग होगी तो सही। ओके, वेरी गुड, बहुत ज्यादा तालियां। पैसा वापस आइए, आप जल्दी से आइए। आपका शुभ नाम? हाँ बताइए। सोनू भाई, आप सोनू निगम है? अच्छा निगम नहीं है। हाँ बोलिए। शाम को 10 बजे सोऊंगा और सुबह 4 बजे। वेरी गुड, बहुत ज्यादा तालियां। सुरेश भाई को माइक दें, अपना परिचय भी दें और टेक अवे भी बताएं प्लीज। सुरेश पुरी। सुरेश, सुरेश पुरी। पहले बता देता संकोच करेंगे बुलाता हूँ, आइए। लिख रहे थे, आइए। अब गगन मारने से काम नहीं करेगा, अकेला पड़ेगा भी। ताली जोड़ दे मुझे। वेरी, आई विल ऑलवेज स्माइल एंड मेक अदर्स ब्लेसिंग्स टू एवरीवन। मैं आपकी पत्नी से फोन करके पूछूंगा, वहां से कोई रिपोर्ट। और कोई पीछे से सुनाना चाहिए? कोई एक व्यक्ति है प्लीज। मैं सर बड़ा आरएस हूं का, और मैं हमेशा प्रसन्न रहना चाहूंगा, उसको अपने से दूर रखूं। वेरी गुड, तालियां। कहते शनिवार है लेकिन आज का दिन हमारे सबके आपके लिए बहुत शुभ है। इतना अच्छा मौका, सुनहरा मौका आप सबको मिला
तो दिन अच्छा है ना? अच्छा। तो जैसा कि हमारे पीयूष भाई जी ने बताया, 7 दिन के लिए भी प्रतिज्ञा कर लेंगे कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, तो जरूर है कि उसके स्थान पर प्रेम आएगा, क्रोध नहीं होगा। शनिवार, सोमवार, लेकिन एक 8वां वार है जिसको आप सभी शायद नहीं सोच सकते, वो 8वां कौन सा है? परिवार। वो परिवार है। तो हमारे लिए सर्वप्रथम परिवार है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं, परिवार को भी सुखी रखना चाहते हैं, तो हमारी दादी जानकी जो चीफ इंटरनेशनल, उनका कहना है कि ना डिस्टर्ब होंगे और ना डिस्टर्ब करेंगे, ना दुख दे और ना। जो परमात्मा ने हमको दिया है, कार्य क्षेत्र में हो, चाहे परिवार के क्षेत्र में हो, चाहे समाज में हो, तो दादी जी का कहना है कि देखो, सबसे पहले अच्छा कार्य करना, हाईएस्ट करना, हाईएस्ट बनना है, जीवन को भी ऊंच बनाना है, तो सबसे पहले अपने हेड का इस्तेमाल करो, फिर हार्ट का, फिर हैंड का, जहां 3H होगा तो आपकी जीवन हाईएस्ट होगी। तो इसीलिए परमात्मा ने हम आत्माओं को बहुत कुछ दिया है, जैसा कहा, वहां मेरा भाग्य, वहां मेरा नसीब, सब कुछ वाह वाह करते चलिए। जो हमारा रोल है वो भी बहुत वाह है, जब हम वाह वाह करेंगे तो हाय हाय तो अपने आप खत्म होगा। तो मुस्कुराने में कीमत नहीं लगती है। एक भिखारी बनिया की दुकान पर गया, उससे गुड़ मांगा, उसने उसको जोर से झुकार दिया, तो भिखारी ने कहा, इस भाई आप जो महाजन जी गुड़ ना दें तो गुड़ जैसा मीठा तो बोल दें। तो हमारी बोली की कोई कीमत नहीं लगती है, अगर हम 2 शब्द भी प्यार से बोलें और बहुत ही मुस्कुरा के बोलें, अपने आप में भी खुशी, औरों को भी खुशी। और टेंशन आप लिखें, टेंशन है क्या, उसमें से ए निकल गया है, अगर टेंशन से ए लगा दें तो क्या होगा? अटेंशन। तो हमारे देखने में, सोचने में, बोलने में, करने में, सब पे अटेंशन होगा, तो जहां अटेंशन होगा वहां टेंशन होगा ही। टेंशन माना दूसरा, टेन माना 10 और सन माना बच्चे। क्या हमारे पास 10 बच्चों का बोझ है? नहीं है ना, फिर किस बात का टेंशन? तो जब अटेंशन होगा, जैसा कि आपको दिनचर्या के ऊपर अन्य बातों पर भ्राता पीयूष जी ने सुनाया, तो अटेंशन रखेंगे तो निश्चित है कि हमारे पास टेंशन बहुत दूर तक चला जाएगा, 10 कोस दूर होगा, और हम बहुत खुश रहेंगे, खुश नसीब होंगे और सबको खुशी बांटेंगे, क्योंकि हमारी झोली में जोगा वही तो बांटेंगे ना। तो अगर खुशी होगी तो बांटेंगे। तो हम माउंट आबू का निमंत्रण है एक बार, क्योंकि वहां तो आप 3 दिन फ्री होके रहेंगे, तो फ्री होने में क्या होगा, दिल से दिमाग से फ्री होंगे तो बहुत कुछ अनुभूति करेंगे, और अनुभूति वो आपके जीवन की निधि बन जाएगी।